जय हिंद। आप सभी को नमस्कार। आशा करता हूँ आप सब बहुत ही अच्छे हैं और पूरी शिद्दत और मेहनत से अपने ड्रीम के लिए लगे हो। ये जो वीडियो है आपके लिए आई ओपनिंग होगा और जो आपके ड्रीम से खेला जा रहा है, और अगर हम एक सेंटेंस में बोले हाउ एक्चुअली दे आर स्पॉइलिंग योर ड्रीम, ड्रीम को आपको किस तरीके से आप लोगों से छीना जा रहा है। क्योंकि जो नए लोग हैं आप जरूर इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, ठीक है, और अगर आप नहीं देखते हो तो ये आपका लॉस होगा। और ये सिर्फ लॉस नहीं होगा, आप अपने ड्रीम से कोसों दूर हो जाओगे। देखिए, हमने हमेशा एक चीज आपको कहा है कि पढ़ना उतना होता है जितना आप चीजों को समेट पाओ, और इस वीडियो में मैं आपको प्रूफ करूंगा कि किस तरीके से स्कैम क्रिएट किया जाता है और आप उसमें फंसते हो, और जब तक आपको एहसास होता है तब तक 2 से 3 साल निकल जाता है, ठीक है। और जब मैं उन लोगों को रोते हुए देखता हूं स्पेशली, ठीक है, कि किस तरीके से ट्रैप किया जाता है लोगों को, तो बहुत दुख होता है। क्योंकि जो ये एग्जाम है, ठीक है, ये यूपीएससी नहीं है, ये 1 डे एग्जाम है, इसका डिमांड अलग है। तो अगर आपका टारगेट है कि मुझे बिहार में दरोगा बनना है, मैं सबसे पहले हमेशा कहता हूं इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, नीचे लिंक होगा उससे जुड़ के नंबर को सेव करके रखें, स्टेटस फॉलो करें ताकि आप सही रास्ते पे जाओ। देखिए, इस एग्जाम को मैं अभी बहुत ही क्लियरली आपको डिस्क्राइब करूंगा 2 से 4 मिनट में कि अगर आपको इस एग्जाम को निकालना है तो क्या आपको नहीं करना है, नहीं तो आपने जो ड्रीम देखा है वो ड्रीम ही रह जाएगा। और इस बार का वैकेंसी याद रखिएगा, हो सकता है कि आपकी जनरेशन के लिए आखिरी वैकेंसी हो, तो बहुत ही केयरफुली देखिएगा, क्योंकि ये बात मैं लिख के देता हूं, कोई आपको बताने वाला नहीं है, वही बता पाएगा जो इस एग्जाम में हर बार बैठा है और इन चीजों को करके रखा है। देखिए, सबसे पहला जो बात मैं कहना चाहूंगा कि 100 क्वेश्चंस मैं अब भी एकदम लेटेस्ट पैटर्न से आपके सामने चलता हूं। 100 क्वेश्चंस मेंस में आए थे 1275, याद रखिएगा, भेर की चाल चलते रहोगे, ठीक है, तो आपका नहीं होने वाला है, ये आप कंफर्म मानो। लाख लोग, ठीक है, 5 लाख 6 लाख लोग फॉर्म भरेंगे फिर से अब, ठीक है, उसमें से होगा फिर 1000 का, जैसे कि 1275 में बहुत लोगों का मेंस नहीं हो पाया, अब बहुत लोगों से मेरिट से भी बाहर होंगे। क्यों होंगे मैं ये भी बताता हूं। देखिए, आपका जो अभी मेंस, मेंस का बात करेंगे, मेंस के बाद प्री पी आएंगे। देखिए, जो स्कैम जो चलाया जा रहा है वो है कि क्वेश्चंस हार्ड पर हो, ठीक है, और सबसे बड़ा एक और स्कैम चलता है कि कोचिंग वाले क्या कर रहे हैं कि जब प्रैक्टिस सेट भी निकालते हैं तो इस लेवल का निकालते हैं कि लोगों को लगता है अरे ये तो हमने पढ़ा ही नहीं, और जब एक नया स्टूडेंट होता है उस क्वेश्चंस को देखता है तो उसे लगता है कि इन्फीरियर आता है, मतलब बोलता है ना अंदर से ऐसा फील आता है कि हमने तो कुछ पढ़ा ही नहीं, और फिर से वो क्या करेगा, वो डीप डाउन करेगा किसी एक सब्जेक्ट में। हिस्ट्री मान लो, कोई एक टीचर है जिसका हिस्ट्री बड़ा अच्छा है, कोई एक टीचर है मान लो जिसका हिस्ट्री ज्योग्राफी बहुत अच्छा है, अब वो क्या करेगा, जब वो प्रैक्टिस सेट सेट करेगा तो अपने दिमाग से सेट करेगा, वो ये नहीं देखेगा कि एग्जाम में जो पेपर आता है उसमें 85+ क्वेश्चंस में, अभी प्रूफ कर दूंगा, 85%+ क्वेश्चंस इजी टू मॉडरेट होते हैं, मेंस का पेपर अभी हुआ है, और अगर पेपर डिफिकल्ट होगा तो वो सबके लिए डिफिकल्ट होगा, किसी एक बच्चे के लिए डिफिकल्ट नहीं होगा। प्री का क्वेश्चन आप जाके देख लीजिए, प्री अगर थोड़ा डिफिकल्ट था तो कितना गया कटअप, 65 गया कटअप, ठीक है। तो जो भी बता रहा हूं एकदम एक्सपीरियंस बेसिस पे बता रहा हूं, एकदम इन सब चीजों में मत फंसना। देखिए, 100 क्वेश्चंस मेंस में अभी आए थे, 100 क्वेश्चन में बस ये 2-4 क्वेश्चंस ऐसे थे, हमने डिटेल एक्सप्लेनेशन किया था, 5 से 7 क्वेश्चन ऐसे थे जहां आप फंस सकते थे। एक क्वेश्चन ये था, ठीक है, हाइड्रोजन एटम ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में जाता है तो क्या होता है, एक क्वेश्चन में ये मान के चलता हूं आपने नहीं पढ़ा होगा, चलो एक क्वेश्चन हटाते हैं यहां, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन था बोस एंस्टाइन कंडेंसेट, इसमें आप लोग थोड़ा फंसे होगा, बट ये तो हमने आपको स्टेट ऑफ में सब पदार्थ के जो डिफरेंट फॉर्म होते हैं उस पे मैंने आपको पढ़ाया था, चलो तभी भी मैं मान लेता हूं, ये यूट्यूब पे भी अवेलेबल है, जाके देख लेना, स्टेट ऑफ मैटर में मैंने पढ़ाया, चलो दो इसको भी मैं गिन लेता हूं, ठीक है। एक था डीएनए वाला, ठीक है, तो डीएनए फ्रेगमेंटेड होता है, देखो इसमें भी आप लोग कर सकते थे, देखो जो ऑप्शन था इसमें, ठीक है, एक था लाइपेस, आपको पता है लाइपेस, ठीक है, ये भी आपको पाचन के लिए हेल्प करता है, आपका प्रोटीज ये भी आपको पाचन के लिए हेल्प करता है, तो लाइगेज होता, चाहे आपको एक्सोन्यूक्लियस होता है, इसका आपका लाइगेज होगा, तो इसमें भी आप कर सकते थे, ये 3 आप में मान के चल रहा हूं, ठीक है, ये हो गया 3। फिर से एक क्वेश्चन ये था आपका डेलिमिनेशन कमीशन वाला था, ठीक है, पंचायती मामलों में जो इंटरफेयर नहीं कर सकते, तो चलो ये भी मैं मान के चलता हूं कुछ लोगों ने गलती किया होगा, ठीक है, 5 क्वेश्चन में ये मान के चल रहा हूं, ठीक है। एक ये था 6 क्वेश्चन, एक रिएक्शन दिया था, तो आप बहुत भी मानोगे, ठीक है, जिसमें 6 से 7 क्वेश्चंस में 8 क्वेश्चंस भी मान लेता हूं जो थोड़ा यूनिक क्वेश्चन होंगे, ठीक है, एक दो और आप मिला लो, ठीक है, 8 क्वेश्चन में मान के चला, उस 8 क्वेश्चंस में भी ऐसे जरूर 8 अगर टिक करोगे तो जरूरी नहीं है कि सब आपका गलत हो जाएगा।
तो जो मेन जो पोर्शन था, ठीक है, मेंस का पेपर का, उसमें 85% क्वेश्चंस ऐसे क्वेश्चंस थे जो आप आराम से क्लियरली बहुत ही अच्छे से कर सकते थे। बट लोगों का क्या हुआ, लोगों ने इजी क्वेश्चंस गलत किया, लोगों ने क्या किया, मॉडरेट क्वेश्चंस गलत किया, क्योंकि उनका माइंडसेट ऐसा बना दिया जाता है, माइंडसेट इस तरीके से बना दिया जाता है कि लास्ट जब टाइम आता है, ठीक है, तो उनके पास इतना सारा कहते हो कि नोट्स इतना पड़ा होता है कि उनको समझ में नहीं आता कि क्या छोड़े और क्या पकड़े। तो मैं फिर से कहूंगा आपको इजी एंड मॉडरेट क्वेश्चंस आपको गलत नहीं करना है। और ये जो हवा आपको फैलाया जाता है कि आपको बहुत डिफिकल्ट, आपको एक एक सब्जेक्ट दो दो महीना पढ़ाया जा रहा है, वो टीचर को, टीचर के पास उसका ज्ञान है, ठीक है, टीचर वो पढ़ाएगा, बट आपको उतना करना है जितना आपको एग्जाम में चाहिए। आपको हिंदी भी पढ़ना है, इंग्लिश भी पढ़ना है, मैं प्री का बात कर रहा हूँ, हिंदी भी, इंग्लिश भी, मैथ एंड रीजनिंग 5 में 5 लाना है, वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ना है, वर्ल्ड हिस्ट्री भी पढ़ना है, साइंस पढ़ना है, साइंस का तीनों पार्ट पढ़ना है, एनवायरमेंट भी पढ़ना है। कैसे करोगे, आपको कन्फाइंड वे में पढ़ना होगा, पढ़ना उतना है जितना आप रिप्रोड्यूस कर पाओ, नहीं तो जो ये स्कैम चल रहा है इसमें आप भी फंसोगे। किसी एक सब्जेक्ट को डीपली पढ़ते चलोगे 3 सब्जेक्ट में आपका ये 4 से 5, आपके पास टाइम एकदम नहीं है, 4 से 5 मंथ है, एंड विद इन द पीरियड ऑफ दिस 4 एंड 5 मंथ आपको हर एक चीज कंप्लीट करना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। मैंने पेपर दिखाया, पेपर के कुछ क्वेश्चंस दिखाए जो हो सकता है आपसे नहीं बना होगा, मेंस जो बैठे हैं, ठीक है, लेकिन बाकी तो ऐसे क्वेश्चंस थे जो आपसे बन जाते हैं, उसको आपको गलत नहीं करना है, उस क्वेश्चंस पे आपको फोकस करना है। इसके लिए बस 2 चीज आपको करना है, प्रीवियस ईयर जितने भी अभी तक एग्जाम दरोगा के एग्जाम हुए सबके टॉपिक को मैंने एनालिसिस किया है, ठीक है, कि कहां किस सब्जेक्ट से, कौन से टॉपिक से क्या क्वेश्चंस पूछे गए। सबसे पहले प्रीवियस ईयर पे आप फोकस करो, पूरा का पूरा प्रीवियस ईयर जितना टॉपिक है हर एक सब्जेक्ट का वो आप कवर करो, और उसी तरीके से हम भी करवाते हैं आपको। तो कहने का मतलब ये है कि प्लीज आप अंधे घोरे बोलते हैं ना, अंधा घोरा जो होता है, ठीक है, या भेड़ की चाल चलना बंद कीजिए, ठीक है, और किसी के कहने पे, ठीक है, आप अपना खुद भी बौद्धिक क्षमता जो है ना उसको आप यूज करो कि आखिर किस तरीके से, जब लाखों लोगों का भीड़ लगा हुआ है तो उस लाख लोग एक ही तरीके से पढ़ रहे हैं, तो मैं क्या एक्स्ट्रा करूं, किस तरीके से मेरा, ठीक है, आपका स्ट्रेटेजी हो कि इन लाखों लोगों से मैं आगे निकलूं, क्योंकि होना कितने का, 1000 लोगों का सिर्फ होना है, ठीक है। तो ये बहुत बड़ा स्कैम है कि बोला जाता है कि, और एक चीज एनसीईआरटी का बहुत आप लोग बोलते हो कि सर एनसीईआरटी, अरे 4 से 5 मंथ में आप एनसीईआरटी पढ़ लोगे, हाँ, जो पढ़ चुके हैं 1 से 2 बार उनका अलग बात है, ये सब आपको डाइवर्ट कर देगा और फिर रोओगे आप, मुझे पता है, कल या परसों बहुत लोग रो रहे थे, ठीक है, कि इतना सारा ना हो गया कि हम सर पढ़ ही नहीं पाए, ऐसा ऐसा कोचिंग में प्रैक्टिस सेट कर दिया जाता है, फिर हम लोग डीपली घुस जाते हैं। उतना ही पढ़ना है, मैं फिर से कहता हूं, जितना आपको एग्जाम में चाहिए, हमेशा एग्जाम होगा, ठीक है, तो इजी टू मॉडरेट क्वेश्चंस आपको गलत नहीं करना है। और अगर पेपर बहुत टफ आ गया तो सबके लिए टफ होगा, नीचे का टफ आ जाएगा, इकोनॉमिक्स का हवा बना के, इकोनॉमिक्स मेंस का जाके देखो एक को क्वेश्चन बाहर गया नहीं गया। तो कहने का मतलब यह है कि आपको क्या करना है, सबसे पहले प्रीवियस ईयर में पॉसिबल होगा तो इस वीडियो के लिंक में, ठीक है, मैं पूरा का पूरा सब्जेक्ट वाइज मैंने एनालिसिस करवाया था, ठीक है, मैं वो आपका पूरा का पूरा वीडियो डाल दूंगा, एकदम ध्यान पूर्वक अच्छे से, बहुत मेहनत किया गया है उस पर, ठीक है, उसको आप अच्छे से देखिए कहां से क्या, हर बार वही टॉपिक रिपीट होता है, क्वेश्चन बस चेंज होता है, ठीक है, टॉपिक वही रहता है, क्वेश्चन बस चेंज होता है, 7 से 8 क्वेश्चंस नए डाल दिए जाते हैं, उसके बारे में नहीं सोचना है आपको, आपको जो 85 से जो 89 क्वेश्चन जो डायरेक्टली आ रहे हैं उस पर आपको फोकस करना है। और मैं फिर से वही बात रिपीट करूंगा कि अगर क्वेश्चन टफ आया तो वो सबके लिए टफ होगा, अगर कुछ क्वेश्चन चेंज आया तो सबके लिए चेंज होगा। आप प्री का कटअप देख लो 64 पोस्ट का कितना गया है, 64 पोस्ट का देखे हो ना, हमने दिया था, ठीक है, आपको दिखाया हूं, और मेरे रिजल्ट का आप टेंशन मत करो, ठीक है, बहुत लोग मेरे रिजल्ट का टेंशन करते हैं, जाके देख लीजिएगा, तो क्योंकि बहुत लोग नीचे काम करते हैं कि आपका हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है, मेरा क्यों टेंशन आप ले रहे हो, जो मैं बता रहा हूं, ठीक है, ये आपको कोई नहीं बताने वाला है, ठीक है, चलिए बस यही है, ठीक है, और प्लीज इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, मैं फिर से कह रहा हूं, नीचे मैं लिंक डाल दूंगा, और जितने वीडियोज मैंने एनालिसिस किए हैं, प्लीज अगेन मैं कह रहा हूं, प्लीज इस स्कैम से बाहर निकलो, ठीक है, कि एनसीईआरटी पढ़ना है, बहुत ही डीपली जाके पढ़ना है, बहुत ही ये करना है, ये सब कुछ नहीं है, ठीक है, और मेंस का तो अगर मैं बात करूं, मैथ्स रीजनिंग का एक क्वेश्चन बाहर नहीं आया, बस आपको पढ़ना है। थैंक यू सो मच, और प्लीज अगेन मैं फिर से वही कहूंगा, अपना बौद्धिक क्षमता जरूर यूज करें, ठीक है, क्योंकि अगर आपका नहीं होता है तो किसी का कुछ नहीं बिगड़ेगा, बिगड़ेगा तो सिर्फ आपका बिगड़ेगा, किसी कोचिंग में आप पढ़ते हो 1 साल के बाद आपको कोई नहीं पूछेगा, ठीक है, जय हिंद।